हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी डिलीशियस। में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिंडली का अचार, जो आप इंस्टेंट बनाकर खा सकते हैं। इसे कुंदरू भी बोलते हैं। ये अचार आप दाल, चावल, रोटी और सब्जी के साथ खा सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि सभी के घरों में आम का ही अचार होता है, वो भी खट्टा या मीठा। तो आज मैं डिफरेंट टाइप का अचार बनाना सिखाऊंगी, वो भी टिंडली का। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 250 ग्राम जितने टिंडली को लिया है। टिंडली के आगे और पीछे के डंठल को काटकर हटा देंगे। टिंडली को हम राउंड शेप में काटेंगे। फ्रेंड्स, आपके घर जब भी कोई गेस्ट आने वाले हो और टिंडली की सब्जी बनाने वाले हो, तब आप टिंडली के 10 से 12 पीस निकालकर उसका इंस्टेंट अचार बना सकते हो। और टिंडली का अचार इतना स्वादिष्ट बनता है कि गेस्ट भी आपकी तारीफ करेंगे और आपने अचार किस तरह से बनाया वो भी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो यहाँ मैंने सारी टिंडली को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। बाद में 1 नींबू के रस को ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम उसे ढक कर 1 घंटे के लिए रख देंगे। आपके घर धूप आती हो तो आप धूप में भी रख सकते हो। 1 घंटे के बाद उसका जूस बाहर निकल कर आ जाएगा, तब हम उसका अचार बनाएंगे। अब 1 घंटा हो गया है। अब हम टिंडली में जो जूस निकल के आया है उसे छन्नी में छान कर निकाल लेंगे। अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने रेडीमेड मसाले का यूज़ किया है। आप कोई भी अचार मसाला यूज़ कर सकते हो। तो अब हम 3 टेबलस्पून अचार मसाला टिंडली में ऐड करेंगे। और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि बाहर के अचार मसाले में नमक थोड़ा कम होता है, इसीलिए हमें ऊपर से थोड़ा ऐड करना है। और साथ में थोड़ा नींबू का रस, या आप सिरका भी डाल सकते हो। नींबू का रस या सिरका डालने से अचार में एक खट्टापन आता है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। अब हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम 1 कढ़ाई में 100 ml तक सरसों का तेल लेंगे और उसे धुआं उठने तक गर्म करेंगे, ताकि उसमें जो तीखापन होता है वो निकल जाए। अब इसे हम टिंडली के अचार में डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा टिंडली का अचार बनके रेडी हो गया है। ये अचार खाने में एकदम स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स, आपको टिंडली का अचार रेसिपी कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।